लोकसभा चुनाव 2019 की मतगणना 23 मई गुरुवार सुबह से होगी। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट की मतगणना खरगोन जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में रखी गई, जहां आचार संहिता के चलते खरगोन में शपथ लेकर मतगणना होगी। पीजी कॉलेज में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इंटरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट जैसी सुविधाओं पर प्रतिबंधित रहेगा। खरगोन जिला कलेक्टर गोपाल चंद डाड ने प्रेस वार्ता में बताया कि काउंटिंग हॉल में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का सामान नहीं ले जा सकता है, उसे केवल पेन कागज लेकर ही काउंटिंग हॉल में जाएगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक्चुअली काउंटिंग के लिए मैंने जानबूझकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और इसमें प्रेस के माध्यम से सबको अपील कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लाना है, खाने पीने की सामान नहीं लाना है और हमें बिल्कुल सीक्रेसी ऑफ वोट का पालन करना है। काउंटिंग हॉल में DFMDs वगैरह रहेगी काउंटिंग हॉल के बाहर, ताकि उनके जो भी सामान वो लाएंगे वो सब रखा लिया जाएंगे। तो उन्हें पेन और कागज़ के अलावा कोई अंदर चीज़ अलाउ नहीं की जा रही। खाना और पीना भी, पानी भी अंदर से ही प्राप्त होगा। पानी हम व्यवस्था करा रहे हैं और खाने के लिए कैंडिडेट्स अलग से पासेज इशू कराएंगे और उनसे खाना डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। काउंटिंग हॉल में, काउंटिंग वेन्यू पर मतलब पीजी कॉलेज में, प्रेस के लिए भी मीडिया रूम तक ही मोबाइल अलाउ किए गए हैं, उसके आगे वो भी मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। ये सभी को बताने के लिए, वाईफाई के लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है कि वाईफाई वहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा ये कहना है कि वाईफाई से किसी को भी आपत्ति हो सकती है। वो ये कह सकता है कि कोई इसको मीडिया बनाकर हैक करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए वाईफाई प्रतिबंधित है। इस पीजी कॉलेज के वेन्यू पर वाईफाई प्रतिबंधित कर दिया है कि वाईफाई कोई नहीं रखेगा। जो भी इंटरनेट का यूज़ करना है वो लेन से यूज़ करेगा, लीज लाइन से यूज़ करेगा। स्क्रीन दो लगी हुई है, जो LED स्क्रीन बड़ी वॉल लगी हुई है, हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो वोटर ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप बनाया है इलेक्शन कमीशन ने, उस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से उस वॉल पर डायरेक्ट रिजल्ट को रिले करेंगे। पूरे भारतवर्ष का रिजल्ट वहाँ दिखाई देगा और यदि वो खरगोन का स्पेशली करना चाहेंगे तो खरगोन का कंटिन्यू वो रिजल्ट अपडेट करते रहेंगे।